भाजपा के खिलाफ बन रहे महागठबंधन में अब सपा बसपा के साथ एक और साथी जुड़ गया है। बुधवार को रालोद नेता जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए हैं। जयंत चौधरी ने मुलाकात के बाद कहा कि मसला सीटों का नहीं, विश्वास और रिश्ते का है और ये दोनों ही मजबूत हैं। लोकसभा चुनाव आते आते राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। छोटे छोटे दल भी अपना मजबूत साथी तलाश रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव में वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। शायद इसीलिए रालोद नेता जयंत चौधरी गठबंधन का साथी बनने के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस बातचीत में सपा ने गठबंधन में रालोद को मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटें देने की हामी भर ली है, जबकि रालोद एक और अन्य सीट भी चाहता है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उसे चौथी सीट हाथरस की मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बागपत सीट जयंत चौधरी और मुजफ्फरनगर सीट से अजीत चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मथुरा से रालोद के चुनाव चिन्ह पर सपा के संजय लाठर चुनाव लड़ सकते हैं और चौथी सीट हाथरस से रालोद का उम्मीदवार होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 20 जनवरी को पार्टी संगठन की बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसमें संगठन के लोगों को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति के बारे में बताया जाएगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गठबंधन से बौखला गई है, इसलिए वह अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उसे अपनी हार का एहसास हो रहा है, वह डरी हुई है। वहीं कांग्रेस को गठबंधन में तरजीह नहीं मिलने से उसका कहना है कि उसकी तैयारी सभी लोकसभा सीटों के लिए है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की रणनीति 50% वोट हासिल करने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भाजपा की सीटें 73 से बढ़कर 74 होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।